नमस्ते फ्रेंड, मैं सविता अग्रवाल कुकिंग विद सविता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए कच्चे आम गैरी वाली चटपटी गिल्ली भेल की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए कच्चे आम गैरी की चटपटी भेल किस तरह बनाते हैं यह देखते हैं। कच्चे आम गैरी की चटपटी भेल बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। मुरमुरे, मिक्स फरसान, बारीक सेव, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटो, बारीक कटे हुए कच्चे आम कैरी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मीठी चटनी, हरी मिर्ची की चटनी, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, प्याज लहसुन मसाला पाउडर। तो चलिए कच्चे आम कैरी की चटपटी भेल बनाते हैं। सबसे पहले इस तरह मुरमुरे को ले लीजिए और अच्छे से छलने में छानकर इस मुरमुरे को साफ कर लीजिए। अब इस तरह का एक भगोना ले लीजिए और लिए हुए इस भगोने में मुरमुरे को डाल दीजिए। अब लिए हुए इस मुरमुरे में स्वादानुसार फरसान, बारीक कट किया हुआ प्याज के पीसेस, बारीक कट किए हुए टमाटो के पीसेस, कच्चे आम कैरी के बारीक कट किए हुए पीसेस, बारीक सेव, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, प्याज लहसुन का मसाला पाउडर, हरी मिर्ची की चटपटी हरी चटनी, इमली की मीठी चटनी, आवश्यकतानुसार बारीक कट किया हरा धनिया। इन सभी चीज़ों को इस तरह मुरमुरे में डाल दीजिए। अगर आपने मेरे कुकिंग विद सविता इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास ही में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मेरे इस बनाए हुए वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा। मुरमुरे में डाले हुए इन सभी चीज़ों को इस तरह एक चम्मच के सहायता से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मेरे इस बनाए हुए मुरमुरे के भेल की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और इस रेसिपी के बारे में अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी दूसरी वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिए। देखिए इस तरह मुरमुरे की चटपटी कच्चे आम कैरी वाली भेल बन कर तैयार हो चुकी है। अब इस बनाए हुए कच्चे आम कैरी की मुरमुरे की चटपटी भेल को एक प्लेट में निकाल दीजिए। अब इस प्लेट में निकाले हुए इस भेल पर स्वादानुसार इमली की मीठी चटनी डाल दीजिए। बनाए हुए इस भेल पर इमली की मीठी चटनी डालने के बाद थोड़ी हरी मिर्ची की तीखी चटनी डाल दीजिए। अब इस भेल पर स्वादानुसार कटे हुए बारीक कच्चे आम कैरी के पीसेस को डाल दीजिए। अब बारीक कट किया हुआ प्याज और टमाटो डाल दीजिए। अब बारीक सेव डाल दीजिए। अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। देखिए इस तरह कच्चे आम कैरी की चटपटी भेल बन कर तैयार हो चुकी है। तो मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ। मेरे इस बनाए हुए कच्चे आम कैरी के चटपटी भेल के रेसिपी के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।